मेरी उम्र 75 वर्ष है। 75 वर्ष में पहली बार इतना सुंदर कार्यक्रम देखा, जहाँ भारतीय संस्कृति अपने पूर्ण जीवन में दिखाई। माता पिता और गुरु आपको अपने से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए इनका नमन करना। ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसी सनातन धर्म की छत्र छाया में आ रहे हैं, तो ये भी मेरे भारत की कल्पना की जा सकती है। जो हमारी सनातन संस्कृति को हम बहुत आपसे ही ढूंढते जा रहे हैं, ऐसी एक पहल को शुरू करने वाले पूज्य बापू जी। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि संतों का क्या योगदान है, संत क्या कर सकते हैं, तो मैं उन सभी से कहना चाहूंगा, आकाश में झड़ पड़े अंगार, तो संतन होते जगत में तो जन्म होता संसार। तो हमारे ऐसे पूज्य बापू जी, जिन्होंने हमेशा ही समाज का मार्गदर्शन किया और समाज का मार्गदर्शन करते ही संपूर्ण जगत को सनातन धर्म की राह दिखाने के लिए बापू जी के सत्संग पांडाल में यदि एक बार व्यक्ति आ गया तो समझ लीजिए कि उसके जीवन के दुख और दारिद्र्य तो दूर होते ही थे, लेकिन उसके घर और परिवार आने वाली पीढ़ी के लिए उसको एक नई दिशा और दशा का मार्गदर्शन प्राप्त तो होता था। बापू जी कोई एक मानव नहीं है, मैं उनको मानव भी नहीं कहूंगा, बापू जी स्वयं एक हमारे और आपके बीच में हमारे ऋषि के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं, और बापू जी जैसा कैलव हमें ऋषि प्राप्त हो, इससे और आदर का विषय क्या हो सकता है। बाबा शादी से पहले ही मुझको कहता था, एक रात में दो दो चांद खिले, एक धरती पर एक आसमान में। राम राज्य के दिन फिर वापस लाएंगे, गुरुवर के पद चिन्ह पर चलते जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड में दीपिका राणा जिन्होंने 92% के साथ अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करेंगे तो उनके हृदय से निकलने वाला आशीर्वाद हमारे जीवन का परिवर्तन करेगा। सर, आज के यूथ के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि वैलेंटाइन डे जैसा दिन हमारे लिए है ही नहीं, हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान की परंपरा यही कहती है कि माता और पिता हमारे लिए भगवान से भी ऊपर। जो अभी फीलिंग हुई है वो इतनी मेस्मराइजिंग फीलिंग है, जो हम लोगों ने आज डिवाइन पर्व सेलिब्रेट किया है पेरेंट्स वर्शिप डे। मेरा यूथ को संदेश यही है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे ना मना के असली वैलेंटाइंस डे अपने पेरेंट्स के साथ मनाए बच्चे, डिवाइन ट्रू लव। और हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें अपने माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए, हमें हंसना बोलना चलना हर चीज सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए। आज हमारे टीचर हमें यहाँ लेके आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें ऐसे फालतू की चीजें नहीं बनानी चाहिए वैलेंटाइन डे वगैरह, हमें मातृ पितृ पूजन दिवस बनाना चाहिए और अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए, उन्हें एक तरह भगवान की तरह पूजना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हम लोगों ने अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डाले जो कि वैलेंटाइन डे न मनाकर और माता पिता की सेवा करना शुरू कर दिया। अगर किसी भी राष्ट्र को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति को खत्म कर दीजिए, वो राष्ट्र अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा ही सेम क्रिश्चियंस ने जो हमारे यहाँ पे किया, हम लोगों को सब कुछ बुला दिया और अपनी चीजों को हमारे ऊपर थोप दिया। उसके लिए बापू जी ने एक अहम कदम उठाया और संत श्री आश्रम बापू जी ने यहाँ पर हमारे लिए वैलेंटाइन डे न मना करके
मातृपुत्र पूजन दिवस स्टार्ट किया, जो कि हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है। हमने ऐसा कार्यक्रम कहीं भी ऐसा कार्यक्रम देखा नहीं है जो यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है। बापू जी ने भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में जितने सनातनी है उनके लिए क्या नहीं किया, बापू जी के लिए जितना कहा जाए उतना ही कम है। आज भी बापू जी वही बैठ करके संपूर्ण अपने भक्तों अनुयायियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और बापू जी की प्रेरणा को, बापू जी के मार्गदर्शन को हम और आप सभी ऐसे ही अपनाते हुए सनातन धर्म को आगे लेकर चलेंगे। बोलिए, कुछ विशेष पूछिए। सलाम बापू जी महाराज की।